मालवीय जी, उड़द दाल, छोला, राजमा चावल, ये है बर्तन। तो आज मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है, चाहे जो हो जाए मैं आपको आज रात को व्लॉग एंड करने से पहले इस किचन को क्लीन करके दिखाऊंगी। थोड़ी देर सो जाना बच्चे, पापा आए तब तक बर्तन धुल जाए, तो पापा बहुत डांटेंगे कि क्यों धोए। थक जाती हूँ यार, एक दो बजते होते बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतनी भागम भाग हो रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या है मैनेज करूँ। आपको पता है जो लोग हमसे पहले से जुड़ा हुए हैं उनको पता है पूरी प्रेगनेंसी पीरियड कैसा गया था, पूरी बॉडी स्वेल हो गई थी और स्किन की इतनी बैंड बजी हुई थी। पार्लर में कुछ नहीं जा पाती, कुछ नहीं करा पाती, मेरी स्किन को कुछ सूट नहीं करता। तो कुछ हफ्ते पहले मुझे एक ऐप के बारे में पता चला, उस ऐप का नाम है क्योर स्किन ऐप। उस ऐप पर जब मैं गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर, स्किन के जो डॉक्टर होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस हमारी स्किन की फोटो मंगाते हैं और उसके बाद हमारे स्किन टाइप, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग हमें देते हैं इस तरीके से पूरी किट। तो मैंने भी वहाँ पे जाके ऐप को इंस्टॉल किया, क्वेश्चंस के आंसर दिए, मैंने उन्हें बताया कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग न्यू मॉम हूँ, क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होती है ना, उनको कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्रीम मॉइस्चराइजर वगैरह में, वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए, बच्चे के हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो देखिए मुझे उन्होंने मेरी स्किन टाइप, क्योंकि अगर आप ध्यान से मेरी स्किन को देखेंगे तो मेरी स्किन में उन्होंने देखा पिगमेंटेशन है, अनइवन हो रखी है, अभी तो देखिए डार्क सर्कल भी आ गए हैं और पुराने जो एक्ने के स्कार्स थे वो भी हैं। और आप लोगों को पता है कि नेक पे और अंडरआर्म्स में मुझे ब्लैकनेस हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो जब कुछ हफ्ते पहले मैंने मंगाया फेस वॉश और उन्होंने मुझे दिया है सनस्क्रीन जेल, इसके अलावा ये क्रीम दी है और विटामिन सी जेल दिया है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे ये अच्छा लगा इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट से आप बात भी कर सकते हैं, आपको बात करने के लिए डाइट चार्ट भी देते हैं जो बहुत यूज़फुल होता है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो नहीं कर सकती, पर उसके बाद मंथली वो फॉलो अप लेते हैं जो फ्री होता है। डे क्रीम और नाइट जेल लगाने से पहले मेरी स्किन के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कहा है कि ये सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, ये मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको बार बार डॉक्टर की फीस देनी पड़ती, पर यहाँ मंथली आप दिखा सकते हैं। और ये किट स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर है, वो लोग आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दवाई तो नहीं चल रही, इसीलिए ये बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मॉइस्चराइजर के बाद ये डे क्रीम है, फ्रेंड्स ये लास्ट मुझे उन्होंने दिया है डॉक्टर ने विटामिन सी जेल, जो मेरी स्किन पे ये ब्लैकिशेस हो गए हैं, अनइवन हो गई है, उसको क्लियर करने में हेल्प कर रहा है, मुझे फर्क दिख रहा है, उम्मीद है आपको भी दिख रहा होगा और आप इसे एक बार ट्राई जरूर करेंगे। ये मैं नाइट में यूज कर, आप अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कीजिए। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हो गए सारे, 1, 2, 3, 4 और सिंक भी क्लीन हो गए, सारे बर्तन हो गए जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था। मानवी जी आ गए हैं गुस्से में देख रहे हैं मुझे, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मगर मैं तरसती नगर से भी देख रहा हूँ कि बेचारी नहीं करे तो क्या करेगी, लेकिन मैं आया हूँ 8:30 बजे ऑफिस से। हाँ अच्छा हुआ आप लेट हो गए, तो मैं आया भी नहीं, मैं 1.5 घंटे लगे मुझे उस बीच, दोनों बच्चियाँ उठ रही, 1.5 घंटे लगे बस, अब सब्जी बनाना है, दिया करना है, आज रचना ने बनाए ये पत्ते अभी बने नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी रचना हो गई है बड़ी, मैं बड़ी हो गई रचना, मेरे शादी हो क्या ही थी उससे पहले, जब लव मैरिज से पहले के समय से, और अब जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ खासकर ट्विंस के बाद, गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों। रचना ऐसी नहीं थी, रचना बहुत बदल गई। क्यों रचना? रचना बहुत बदल गई है, बहुत हिम्मत आ गई है, हल्की सी अभी भी इमोशनल है मगर अब थोड़ी हिम्मत आ गई। क्यों रचना? बहुत बदल गए हैं। मैं अपने आप को बदल लेता हूँ, इस हुलिये से आप लोग की आंखों में दर्द होने लगा होगा। देखो भैया गोली क्या देखना, कपड़े गंदे हो गए, बदलने पड़ेंगे। इन कपड़े से थोड़ी धोते हैं, मतलब नए कपड़े हैं तो। गाउन गीली थी यार, दोनों धो ही नहीं पाए थे तो आज धोई थी, इसमें बच्चे पुड़पुड़ कर रहे दोनों बच्चे, थक गए मुझे भी। क्यों कह रहे हो कि मैं बदल गया? बदलना तो पड़ेगा ना, जब लोग बदल गए, लोगों को ऐसे बदलते नहीं देखा मैंने, ट्विंस के बाद देखा लोगों ने किस तरीके से बदले, और अभी भी मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं वो लोग,
ढूंढते रहो। तो रोना मत, अब मैंने अभी तारीफ करी, अब रोना मत तू। नहीं रो रही, वो पसीना है, मैं नहीं रो रही, पसीना अंदर से तो रो रही है। नहीं, अंदर से रोने से क्या होता है? इसे कहते हैं चंद्रमा कमजोर होना, इमोशनल होना, डिप्रेशन में जाना। हाँ हो गया है, कहीं ना कहीं किसी न किसी महादशा अंतरदशा में हो जाता है, हमेशा थोड़ी होता हो। बुद्ध अपनी कुंडली नहीं देखते, मेरी तो रहने दो, मेरे तो सारे ग्रह चौथे हाउस में बैठे। हर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते ना, अगर हम दोनों साथ में जाते ना, हम भी जाते, पहले जाते थे, अब तो नहीं जाते, पहले जाते थे, तो लाइक आपकी बाद में देखेंगे, पहले इनकी देख ले, क्योंकि इनके लग्न में बैठे हैं वीनस और बुध। वाह क्या कुंडली है आपकी, रहने दो। हाँ आएगा, अच्छा समय आएगा। कब आएगा ये उनको नहीं पता। पैसे की क्या कमी है? मेरे से पूछो ना। दोस्तों बज रहे हैं 10:30, 11:30 हो चुकी है। घर के काम रचना कर ही रही, सुबह तो उठ गई थी, सब कर लिया यार रचना। पता नहीं यार माथरानी ने जो एनर्जी दी उसको आफ्टर टू बेबीज, भाई अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और मैं इसको प्रणाम करता हूँ, साक्षात शक्ति का मुझे दिखता है उसमें। और आज है गुरु पूर्णिमा, कल से शुरू होंगे सावन, तो जो सावन का महीना है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस बार चतुर्मास में दो सावन के महीना है। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस सावन के महीना को बहुत अच्छे से यूजफुल बना सकते हैं हम। अगर आपका चंद्रमा खराब, जिसका चंद्रमा खराब होता है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है, बार बार सोचता है, किसी भी बात को बहुत अलग अलग एंगल से सोचेगा और बहुत डीप सोचेगा। हालांकि अच्छी बात है, सोचना चाहिए, मगर वो उसकी आदत हो जाती है। किसी के दुख से बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, किसी की पीड़ा से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाता है और डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर किसी बात को बार बार सोच रहे हैं मगर फिर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो चंद्रमा कमजोर है। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ का आपको सुख नहीं मिला है, और दूसरों की माँ तो उनके बच्चों को कितना प्यार करती है, तो मुझे नहीं मिला है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमजोर है। माँ तो अपने लेवल पे अपना बेस्ट करे, मगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ना किसी वजह से माँ मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाती है, या नहीं मिला, जल्दी चली गई है ना। जैसा कि कहीं ना कहीं, जैसे मुझे है, अभी मुझे लग रहा है कि किसी किसी की दादियाँ होती हैं, पोतों को खिलाती हैं, मेरी माँ होती हैं, तो मेरा माँ चंद्रमा राहु के साथ है तो वो पीड़ित है। रचना का चंद्रमा सूर्य के साथ है और अलग ग्रह के साथ है तो भी पीड़ित है, तो भी उनको माँ का सुख वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए, जैसा दो औरों को मिलता है। तो आप चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं इस सावन के महीने में, क्योंकि चंद्रमा निवास करता है शिव जी के माथे पे। तो आप शिव जी को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाने के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक दीपक रखें, दक्षिण दिशा में आप बैठें, दीपक जलाएं घी का और वहाँ पर ध्यान करें। शिव जी भोले बाबा बहुत जल्दी मान जाते हैं और बहुत जल्दी आशीर्वाद देते हैं, तो इस दो महीने में मना लो जी, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है और ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो सफ़ेद चीज़ों का दूध का दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, और चावल का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन, आज पूर्णिमा का दिन है, हालांकि अब अगली पूर्णिमा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप सही नहीं है, हस्बैंड वाइफ को चंद्रमा की रोशनी में टहलना चाहिए, खासकर शरद पूर्णिमा पर बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आप कर सकते हैं, समझे। और अगर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए तो क्या करोगे, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, आपकी शेयर कर दो। हमने एक दो लोगों की कुंडली देखी जो हमारे यूट्यूब से आए, हमारी ऑडियंस बन गई है अरबी के पत्तों की सब्जी। और अभी राजेश भाई साहब के यहाँ भी देख रहे हैं चखाने के लिए कि कैसी बनाई रचना ने, क्योंकि रचना की फेवरेट है, तो रचना इस पे कॉन्फिडेंस है कि ये तो अच्छी बनेगी, तो इसलिए देख रहा है। नहीं है ऐसा तो फिर कैसा है? अब नहीं बनती यानू, जल्दबाजी में बच्चा रो रहा, बर्तन धोना जल गए करके नहीं होता यार। वो जो अच्छी मतलब अपन बहुत प्यार से टाइम दे के बिना किसी टेंशन के बनाते हैं, उस प्यार नहीं देनी थी ना फिर उनको, वो क्या बोलेंगे तुझे? अब यार उनकी कटोरी एक्चुअली बहुत टाइम से रखी हुई थी, प्लेट और कटोरी, तो खाली देना मुझे जमता नहीं। कल सोचा इडली, किसी को नहीं जमता खाली, इडली सांभर दूंगी तो वो इडली भी फर्मेंट ढंग से नहीं हुई थी, तो अच्छी नहीं बनी। क्योंकि भाभी घर पे इडली नहीं बनाती, मेरा बहुत मन था उनको इडली चखाने का, बट अभी टाइम आप लोगों को पता कैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी बनाने आती है, इडली मेरी बहुत अच्छी बनती है, मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा मतलब ये वाली कड़ी बहुत अच्छी बनती है। अभी अब समझ जाओ, उल्लू बेवकूफ बहुत अच्छे से बनाना आता है। काश अगर मुझे बेवकूफ बनाना आता तो आज बहुत अच्छी है। चलो दोस्तों इस बारे में आप बात नहीं, चलो रचना खाना लगाना है, सुबह से खाना नहीं खाया सब कह रही है, क्योंकि इसकी वजह से कोई पड़ोसन राहुल भाई साहब मिले थे, क्या कह रहे थे? मैंने क्यों भाई साहब आज से रचना की वजह से आना पड़ा आपको? चले हाँ यार, मैं कह रही थी रचना बहुत गुस्सा हो गई है। दोस्तों ये वाला टूथपेस्ट देना चाहिए बच्चों को, मैंने डॉक्टर से पूछा था, सेफ है और जैसे बच्चे सही से प्रॉपर नहीं भी कर पाते हैं तो भी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा भी दांत में लगा तो है घी तो इसी से करती। मालवीय जी
उड़द दाल, छोला, राजमा चावल, चना, बेसन, ग्रीन पी, ड्राइड पीस, ये सी सेक्शन वाले को नहीं खाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग वाले थोड़ा सा खा सकते हैं। क्या मैं ये सब्जी बेसन बेसन तो इतने थोड़े से ही है ना, बाकी तो पत्ते हैं ज्यादा। ये तो खिलाऊं आपको मेरे हाथों से? आप बैठो, मैं खा। अब हम लोग को सब चीजें पता नहीं है ना, किस से क्या क्या पूछे तो जब तक आप बताते हो जब तक तो टू मच लेट ना हो जाएगा। इतना की पनौती किस्मत, वाकई में आज एक बार प्रूव हो गया। दीदी एक दीदी जग रही, एक दीदी सो रही है, हमारी दोनों देवियां। कल से सावन शुरू होगा, तो सावन में आप कैसे अपने भोले बाबा को बनाए मैं मनाए? तो दोस्तों दूध के लिए रख दिया है और रात हो गई है, बहुत बुरी हालत है, बच्चों को बहुत आदत हो गई है, मालू जी ने गोद की इतनी, तीनों बच्चों में मेरे बहुत बुरी हालत कर दी, मैं बहुत थक गई हूँ। 12 बज गए हैं दोस्तों, दिखाऊँ मैं आपको टाइम, दो अभी दोनों बड़ी मुश्किल से, तीसरा तो अभी सोया ही नहीं है बड़ा बच्चा। चलिए जय माता दी, आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए व्लॉग में, और प्लीज़ 17 जुलाई से पहले करवा दो ना 50,000 सब्सक्राइबर प्लीज़। बाय, टेक केयर।